हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज मैं आपके सामने हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो हिमाचल प्रदेश में रहते हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए गुड न्यूज है कि वो अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल से छुटकारा पा सकते हैं इवन कि बहुत से लोग इस स्कीम का लाभ भी उठा रहे हैं और अगर अभी तक आप अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहे हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है इसके लिए करना क्या है ये जानने के लिए बने रही वीडियो के एंड तक इससे पहले कि आगे बढ़े मैं आपको दिखाना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश के सीएम श्री जयराम ठाकुर जी की ये अनाउंसमेंट मैदान में घोषणा कर रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जीरो से एक सौ पच्चीस यूनिट तक जीरो बिल दिया जाएगा दोस्तों आप वीडियो देख के तो समझ ही गए होंगे कि जो फ्री की बिजली का कंसेप्ट है ये तभी पॉसिबल है अगर हमारी मंथली कंजप्शन 125 यूनिट से कम रहती है क्योंकि 125 यूनिट जब से कम मंथली कंजप्शन आने पे हमें ना तो एनर्जी चार्जेस पे करने हैं और ना ही कोई अदर रेंट यानी कि हमारा टोटल बिल आएगा जीरो दोस्तों अगर हमारा एक भी यूनिट एक यूनिट से बढ़ जाता है तो हमें पिछले एक यूनिट का पूरा बिल देना पड़ेगा और आप अभी तक सोच रहे होंगे कि ये तो एक काफी सिंपल है है जस्ट हमें यूनिट से कम कंजप्शन रखनी है और हमारा बिल जीरो आ जाएगा बट दोस्तों ऐसा नहीं है क्योंकि सभी लोगों का मंथली बिल तीस दिन का नहीं आ सकता या तो वो इससे कम भी हो सकता है या फिर इससे ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि बिलिंग वाला मान लो इस महीने आपके बिलिंग करके गया अट्ठाइस दिन की हो सकता है वो अगले महीने पैंतीस से चालीस दिन की करके जाए तो उस केस में आप क्या करोगे क्योंकि जितने दिन का आपका बिल बनेगा उस हिसाब से आपके फ्री के यूनिट जाएंगे।, तो जाएंगे और कम हो जाएंगे सो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए बिजली बोर्ड ने एक थंब रूल यूज किया है कि नंबर ऑफ डेज को 4.11 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो उसका आंसर आएगा उतने यूनिट आपको फ्री मिलेंगे और उस पर ना कोई एनर्जी चार्जेस ना कोई मीटर रेंट आपको पड़ेगा बट अगर आपका एक भी यूनिट उससे बढ़ जाता है तो आपको पिछले सारे यूनिट की पेमेंट करनी होगी और साथ में उसका मीटर रेंट और अदर जो फिक्स चार्जेस है वो भी आपको पे करने पड़ेंगे। तो so, दोस्तों अब वापस लौटते हैं हम अपने मेन पॉइंट पे कि हमारा घर का एनर्जी बिल कैसे जीरो आएगा So, दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या है कि अपने मीटर की डेली रीडिंग चेक करनी है अगर आपको मीटर की रीडिंग चेक करनी नहीं आती तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करें और मेरी पुरानी वीडियो देखें और सीखे कि मीटर की रीडिंग कैसे लेते हैं मीटर रीडिंग लेने के बाद आपको डेली की कंजप्शन नोट करनी है और उसको क्लोजली मोनिटर करना है कि आपकी डेली कंजप्शन कितनी आ रही है अगर तो आपकी डेली कंजप्शन चार यूनिट जब से कम आ रही है तब तो आपका बिल जीरो ही आएगा अगर आपकी कंजप्शन चार यूनिट से ज़्यादा आ रही है तो आपको अपने फालतू में चल रहे लाइट्स फैन को स्विच ऑफ करना है और अपनी डेली कंजप्शन को चार यूनिट जो उससे कम पर लेके आना है और अगर आप ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपका बिल ज़ीरो आएगा चाहे वो तीस दिन की बिलिंग हो चाहे वो साठ दिन की बिलिंग हो आपका कभी भी बिल नहीं आएगा दोस्तों आपको आज की वीडियो या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक में अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ धन्यवाद